प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ, ऐसे कई नारों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ ही इस नारे को लेकर कई स्कूल भी काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के सिविलान स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में बच्चों को थैले वितरित कराए गए, साथ ही इस आशा के साथ कि सभी लोग प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे और हाथ से बने हुए थैलों का इस्तेमाल करेंगे। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज का ये कहना है कि मुरादाबाद में कई स्कूलों में ये थैलों का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इस कार्य की सराहना की। दिनांक 12/12/2019 को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में प्रबंध समिति द्वारा निशुल्क थैला वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। कार्यक्रम में आज विद्यालय के 1398 छात्रों को निशुल्क कपड़े के थैले बांटे गए। मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और देश के भावी नागरिकों को यदि बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के संस्कार दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत प्रदूषण मुक्त हो सकेगा और पर्यावरण युक्त हो सकेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है कि भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बनाना है। इसके लिए हमें पर्यावरण व जल संरक्षण पर जोर देना होगा। विद्यालय के प्रबंधक दया किशन गुप्ता व मंत्री दिलीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा 5000 कपड़े के थैलों का निर्माण किया गया है। ये थैले आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में मंत्री जी के द्वारा वितरित किए गए हैं। इस कड़ी में इसके पश्चात जेआर अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद तथा महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में भी इन थैलों का वितरण किया जाएगा। माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल जी ने कहा कि छात्र हमारे मैसेंजर के रूप में है जो अलग अलग क्षेत्रों व परिवारों से आते हैं और वो समाज में इन थैलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। मेजर राजीव ढल माननीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा आज जो थैलों का वितरण जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य को हम प्राप्त करने निश्चित रूप से सफल होंगे, पर्यावरण संरक्षित कर सकेंगे। इस मौके पर जेआर अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रबंधक सुधांशु अग्रवाल, सदस्य श्री आदीप गुप्ता जी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कुसुम चौहान जी ने किया। इस मौके पर सुशील चंद्र, विनय बाबू, ग्रंथ सिंह, गुलजारी सिंह, प्रफुल्ल कुमार, अनूप कुमार अग्रवाल, अंशु रानी, संगीता कुमारी, राजीव कुमार, कपिल यादव, आशुतोष गुप्ता, दीपेंद्र कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जाते हैं बाजारों में थैलियाँ मांग करते हैं और थैलियों से प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण असुरक्षित होता है, तो संदेश को बच्चों को देने के लिए, बच्चों के प्रेरित करने के लिए हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए थैलों का प्रयोग करना चाहिए, जो हम भूल चुके हैं। पहले हम थैलों का प्रयोग करते थे लेकिन धीरे धीरे हम भूल गए, ले जाना बाजारों में नहीं ले जाते, लेकिन उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए, संदेश देने के लिए प्रबंध समिति द्वारा थैलों का वितरण करा गया। ये अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा 5000 थैलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आज वितरण किया गया है, उसके बाद जेआर कन्या इंटर कॉलेज में वितरण किया जाएगा, उसके पश्चात महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में भी ये वितरण किया जाएगा। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों को थैलों का वितरण किया और उन्होंने कहा, बच्चों को संदेश दिया कि अगर हम थैलों को ले कर चलेंगे, प्रयोग करेंगे और प्लास्टिक को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से भारत का पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा, हम पर्यावरण सुरक्षित और भारत उन्नति की ओर बढ़ेगा, जो हमारे प्रदूषण फैल रहा है उसे भी रोकने में हम सक्षम होंगे। नालियों में अनेक प्रकार की थैलियों के कारण चोक हो जाती है, जिस कारण बारिशों के दिनों में पानी भर जाता है, सड़कों में ओवरफ्लो हो जाता है, तो अगर हम प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, इन थैलों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। इस प्रकार के उन्होंने आज थैलों का वितरण करा गया है प्रबंध समिति द्वारा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री कैबिनेट
मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी के द्वारा आज इस प्रकार के थैलों का वितरण किया गया है।